हेलो हेलो। हाँ कौन? हरेश भाई, आपणे જગણાથી બોલું. हाँ बोलो। अच्छा આપણે હરું આવ્યું એટલે પકડવું જોઈએ, એટલા માટે માં ગૌરી મારા મંદિર ના આગળ થી નીકળ્યા. હા તો એ સીધા ડેરી આગળ આવશે એટલે અમે આપણે વ્હાઈટ ટવેરા પડીએ. વ્હાઈટ ટવેરા એમ, હા એના સામે ઘર છે એમ, એ ટવેરા વાળું જ ઘર આપણું. ઓકે અભી કોલ આયા હૈ, गांव में एक जगह पे सांप आया है, तो वहाँ पे वही जा रहे रेस्क्यू करने के लिए। ये घर वाले बोल रहे हैं कि अभी सब बाहर आया था, लेकिन अभी छोटी छोटी ईंटों के जो डग दिख रहे हैं बड़े से, वहाँ पे वो चला गया अंदर। अब उसको निकालने के लिए अभी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अभी सारी जो ईंटों के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको वो वहाँ थोड़ा सा दिख रहा है, वो बहुत डीप में है, अभी बाहर नहीं निकले ऐसे। इसको पकड़ने के लिए अभी फावड़े की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सारे ईंटें अभी हटानी पड़ेगी वहाँ से, तभी जाके वो नीचे से निकलेगा। अभी कहाँ दब गया है वो पत्थरों के बीच में, वो भी दिख नहीं रहा है। काफ़ी मेहनत लग रही है अभी भाई। वहाँ पे लाइट मारो, वहाँ पे आपके आगे 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 से आगे से आगे से फाइनली हमारी पकड़ में आ ही गया है भाई। देख लीजिए भाई, 6 फुट की हाइट है उसकी। देखो भैया देखो, देखने में कहा जाएगा भाई। अभी उसको लेके जंगल में जाना पड़ेगा। अरे यार देखो, ये कैसे ताकत कर रहा है, देखो कैसे ताकत कर रहा है। ऐसे तो निकल ही जाएगा, उसको फिट पकड़ना। आप लोग सब दूर हट जाइए, यहाँ से हट जाइए। आप थोड़े दूर दूर खड़े, दूर खड़े रहिए। अभी देखो रोशनी में कैसा दिख रहा है बड़ा सा, उसका वजन भी काफी है। देखो अपनी जीव निकाल रहा है वो, लंबा है, बहुत लंबा है साहब। ये रेड स्नेक है भैया। बाइक लायक नहीं, लेके आओ फटाफट से। उसको छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा, हाईवे पे जाना पड़ेगा, आगे जंगल में छोड़ना पड़ेगा उसको। देखो कितना बढ़िया दिख रहा है, ये नज़ारा दिख रहा है एकदम। वो ऊपर देख रहा है भाई, वो देख रहा है कहाँ भागो यहाँ से। भागने के लिए भैया जगह ही नहीं है अभी। अब आपको सीधा जंगल में जाना पड़ेगा, अभी यहाँ आना मत। अभी उसको लेके जा रहे, अभी बाइक आ गई है फाइनली। अभी उसको छोड़ने के लिए अभी जंगल में जा रहे हैं भैया। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आपके घर के आजू बाजू जहाँ भी सामान कचरा कूड़ा जो भी पड़ा हो वो साफ करके रखिए भैया। वो बारिश के मौसम में वहाँ ही वो आता है, और साफ और जहरीले कोई जीव जंतु वहाँ पे आके रहेंगे और आपको ही नुकसान करेंगे, या फिर आप डर जाओगे तो आप उसको मारोगे, दोनों तरफ नुकसान है भैया। तो साफ सफाई आप ही रखिए। फाइनली हमने सांप को जंगल में जाके छोड़ के आए हैं, और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि कभी भी ऐसा जीव आपके घर के आजू बाजू दिखे तो उसको मारो नहीं, बल्कि उसकी पकड़ के उसको जंगल में रेस्क्यू करके छोड़ के आओ। हाय दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, संभालें। बाय बाय।